तो गाइस एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि पोको इन्फिनिटी गन स्किन कब रिटर्न में आएगा और क्या इस साल पोको इन्फिनिटी गन स्किन रिटर्न में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो गाइस इसके रिलेटेड ये वाला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पोको इन्फिनिटी गन स्किन हमारे गेम के अंदर कब रिटर्न में आएगा, इसका कन्फर्म डेट क्या होने वाला है और पोको इन्फिनिटी गन स्किन हमारे गेम के अंदर किस इवेंट में आएगा, इसका डायमंड प्राइज क्या होने वाला है। उसके बाद हमारे गेम के अंदर आने वाला अपकमिंग इवेंट के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ये वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी दिवाली इवेंट के स्पेशल में हमारे गेम के अंदर रिंग इवेंट आने वाला है। इस रिंग इवेंट में हमें 3 रिवार्ड देखने को मिलेगा। पहले में आता है मैग्मा बोर्ड मेल बंडल, जो की ये वाला बंडल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, ये वाला बंडल हमारे गेम के अंदर इस रिंग इवेंट में आएगा। उसके बाद दूसरे में आता है लाइटिंग फेस पेंट, जो की ये वाला फेस पेंट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा है, इसका एनिमेशन काफी अच्छा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। उसके बाद लास्ट में हमें यानी कि तीसरे में हमें फेमस गन का स्किन देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला फेमस गन का स्किन का लुक यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा है, इसका एनिमेशन काफी अच्छा है। इस गन स्किन का एंट्री बूट की बात करे तो यहाँ पर हमें रेंज डबल देखने को मिलेगा, रेट ऑफ फायर सिंगल रहेगा, उसके बाद रिलोड स्पीड माइनस में रहेगा, जो की काफी अच्छी बात है। और इस रिंग इवेंट में आप यूनिवर्सल रिंग टोकन कैच कर सकते हो। अगर आप ये तीनों रिवार्ड निकालना चाहते हो गाइस, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 3000 से लेकर 4000 डायमंड लग जाएगा। अगर आप कलक अच्छा रहता है तो उसे कम में भी निकल सकता है, वरना आपके डायमंड लग जाएगा। तो गाइस ये वाला रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर 16 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद 19 अक्टूबर को हमारे गेम के अंदर इमोट रॉयल इवेंट आएगा। इस इमोट रॉयल इवेंट में हमें मैग्मा क्विक इमोट देखने को मिलेगा, जो की ये वाला इमोट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो की काफी अच्छा है। इस इमोट को हनुमान के गदा के थीम पे डिजाइन किए गए है। ये वाला इमोट हमारे गेम के अंदर आने वाले इमोट रॉयल इवेंट में आएगा। अगर आप इस इमोट को इमोट रॉयल इवेंट से निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 1500 से लेकर 2000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो उसे कम में भी निकल सकता है, वरना आपको डायमंड लग जाएगा। उसके बाद हमारे गेम के अंदर और एक इमोट रॉयल इवेंट आएगा। ये वाला इमोट रॉयल इवेंट हमारे गेम के अंदर 21 अक्टूबर को आएगा। इस इमोट रॉयल इवेंट में हमें आउटर बॉर्डर इमोट देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला इमोट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा है। ये वाला इमोट का एनिमेशन काफी अच्छा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। ये वाला इमोट को भी निकालने के लिए आपको 1500 से लेकर 2000 डायमंड लग जाएगा। आप ये दोनों इमोट रॉयल के लिए कितना एक्साइटेड हो, ये भी कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं भाई का कमेंट का रिप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि पोको इन्फिनिटी गन स्किन कब रिटर्न में आएगा और क्या इस साल रिटर्न में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो गाइस पोको इन्फिनिटी गन स्किन हमारे गेम के अंदर इसी साल में रिटर्न में आने वाला है। इसका इवेंट की बात कर दो, ये हमें टोकन व्हील इवेंट में हमारे गेम के अंदर पोको इन्फिनिटी गन स्किन रिटर्न में आएगा। और इस टोकन व्हील इवेंट में आप यूनिवर्सल रिंग टोकन का यूज नहीं कर पाओगे, इसके जगह पर हमें कोई और ही रिंग टोकन रहेगा। इस टोकन व्हील इवेंट में हमें ऑल पोको इन्फिनिटी गन स्किन रिटर्न में आएगा, बट इस टोकन व्हील इवेंट से आपको येलो वाला पोको इन्फिनिटी गन स्किन को आपको डायरेक्ट टोकन व्हील इवेंट से ही निकालना होगा, क्योंकि येलो वाला पोको इन्फिनिटी गन स्किन एक्सचेंज रिवार्ड में नहीं रहने वाला है, इसलिए इसको आपको डायरेक्ट टोकन व्हील इवेंट से ही निकालना होगा। उसके बाद हो सकता है कि इस टोकन व्हील इवेंट में हमें M1887 गन का स्किन भी रिटर्न में आएगा, जो कि ये वाला M1887 गन का स्किन आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। हो सकता है कि ये वाला M1887 गन का स्किन हमारे गेम के अंदर इसी टोकन व्हील इवेंट में आ सकता है, बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आने वाले समय में ये कंफर्म होता है तो गाइस आने वाले वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। अगर आप इस टोकन व्हील इवेंट से ऑल पोको इन्फिनिटी गन स्किन निकालना चाहते हो गाइस, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो उसे कम में भी निकल सकता है, वरना आपके डायमंड लग जाएगा। अब बात करते हैं पोको इन्फिनिटी गन स्किन हमारे गेम के अंदर कब रिटर्न में आएगा। तो गाइस पोको इन्फिनिटी गन स्किन हमारे गेम के अंदर दिवाली इवेंट के स्पेशल में रिटर्न आने वाला है, और दिवाली इवेंट हमारे गेम के अंदर स्टार्ट हो चुका है। दिवाली इवेंट का पिक डे यहाँ पर 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को रहेगा, तो इसीलिए काफी ज्यादा चांस की अक्टूबर मंथ के एंडिंग तक हमारे गेम के अंदर पोको इन्फिनिटी गन स्किन रिटर्न में आ सकता है। अगर इस मंथ के एंडिंग तक हमारे गेम के अंदर पोको इन्फिनिटी गन स्किन रिटर्न में नहीं आता है, तो गाइस ये हमें नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में रिटर्न में आ जाएगा, जो कि 100% कंफर्म है। आप पोको इन्फिनिटी गन स्किन के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके बता देना। उसके बाद और एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि नेक्स्ट फेडेड व्हील इवेंट कब आएगा। तो गाइस नेक्स्ट फेडेड व्हील इवेंट हमारे गेम के अंदर 14 अक्टूबर को आएगा। इस फेडेड व्हील इवेंट में हमें दिवाली इवेंट स्पेशल न्यू प्रोफाइल एनिमेशन इमोट रहेगा, जो कि ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन इमोट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, यही वाला इमोट हमारे गेम के अंदर इस फेडेड व्हील इवेंट में आएगा। इसका डायमंड प्राइस की बात करें तो यहाँ पर हमें 1100 डायमंड लग जाएगा इस प्रोफाइल एनिमेशन इमोट निकालने में। आप
ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन इमोट के लिए भी कितना एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके बता देना। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइज मिलेंगे आने वाले वीडियो में।